हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपन लिपि डॉक्टर पूनम। दांत में जब दर्द होता है तो ये काफ़ी असहनीय होता है। किसी भी कारण से दांत में दर्द हो सकता है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, दांत में केविटी है, दांत में कोई भी कीड़ा, मतलब अगर हम बात करें डिकेड हो गया है, कीड़े लग गए, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, मसूड़ों में सूजन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपके अक्कलदार निकल रही है उसकी वजह से दर्द हो सकता है, पल्पाइटिस हो सकता है, यानी कि दांत में पेरियोपाइकल अब्सेस की वजह से दर्द हो सकता है, पेरियोडोंटल अब्सेस की वजह से दर्द हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत हिलने की वजह से दर्द होने लग जाता है, कुछ के ब्रेक होने की वजह से दांत में फ्रैक्चर हो जाता है, क्रेक होने की वजह से भी दर्द हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। तो चाहे किसी भी कारण से अगर आपके दांत में अचानक से तेज़ दर्द हो जाए तो क्या किया जाए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि रात को सोते वक्त दर्द हो गया, या आप कहीं सफ़र कर रहे हो, या कहीं गए हुए हो किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ, उस टाइम अगर आपके दांत में तेज़ अचानक से दर्द हो जाता है तब डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तब क्या किया जाए कि दांत का दर्द में तुरंत हम रिलीफ पा सकें? तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी टॉपिक पे है। मैं आपको दांत दर्द को तुरंत राहत देने के लिए होम रेमेडी भी बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मेडिसिन भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके होम रेमेडी से या घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो जिससे आपके दांत का दर्द तुरंत ठीक हो सकता है। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके अचानक से दांत में दर्द हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है लौंग। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। मोस्टली आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं दांत में दर्द है, लौंग दबा ले ठीक हो जाएगा, उससे आपको रिलीफ भी मिलता है, लेकिन तुरंत रिलीफ नहीं मिल पाता है या बहुत हल्का रिलीफ मिलता है। क्योंकि क्या होता है, लौंग को लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है। आपको लौंग को पीस कर आपको क्या करना है, 2 या 3 लौंग को पीस लीजिए, उसके अंदर हल्का सा ऑयल मिला लीजिए, केरल नारियल तेल मिला सकते हो, हल्की सी हल्दी और नमक उसमें ऐड कर दीजिए, और ये करने के बाद स्क्वीज़ करके उसका जो ऑयल निकलता है उस ऑयल को कॉटन की मदद से जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के दबा के छोड़ दीजिए। इससे आपका दांत का दर्द है वो कम होता है। इसके अलावा आप चाहे क्लोव ऑयल, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप क्लोव ऑयल ला के भी उसको अपने दांत पे डायरेक्ट लगा के भी छोड़ सकते हो। इससे भी आपके दांत का दर्द में आपको राहत मिल सकती है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं या घरों में कि दांतों में दर्द या ऐसी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम में रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्लोव ऑयल खुद भी बना सकते हो। खुद बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 1 कप नारियल का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आपको कम से कम मतलब 100 ग्राम जो ये लौंग होते हैं उनको आपको नारियल के तेल में कांच के जार होता है, टाइट कंटेनर, उसमें डाल के मतलब डार्क प्लेस पे छोड़ देना है 1 वीक के लिए, और उसके बाद उसको छान कर वो ऑयल आप अपने दांत के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आपके दांत का दर्द है उसमें राहत मिलती है, क्योंकि लौंग का जो एनाल्जेसिक गुण है वो उस ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इसको हम लोग अगर बात करें तो एसेंशियल ऑयल के रूप में बाहर मार्केट में मिलता है, तो ये मार्केट में भी मिलता है, आप घर पे भी बना के इसको रख सकते हो। तो लौंग और लौंग के तेल से आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों से भी दांत का दर्द ठीक कर सकते हो। अमरूद की पत्तियों में इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, दांत में इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, या फिर कहीं भी अब्सेस हो, उसको ठीक करने में, हील करने में हेल्प करती है। आपको क्या करना है, ताज़ा 7 से 8 अमरूद की पत्तियों को 1 गिलास पानी के अंदर जार में गर्म कर लेना, उबाल लेना और उसमें पत्तियाँ डाल देनी है, और फिर कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद 1 चम्मच नमक डालना है और उसको छान कर उसको गुनगुना होने पर उससे कुल्ली कीजिए, एज ए माउथ वॉश। उससे भी आपके दांत के दर्द में आपको राहत मिलती है। मसूड़ों की वजह से अक्कलदार में दर्द है तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है अमरूद की पत्तियों के पानी से। ये कर सकते हो, नमक के पानी के कुल्ले भी कर सकते हो अगर आपको हल्की सेंसिटिविटी या हल्का पेन फील हो रहा है तो। ये तो रही होम रेमेडी की, कौन सी होम रेमेडी से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। अब जानते हैं कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन की बात की जाए तो कभी कभी पेन किलर अगर आपके पास अवेलेबल है तो
तो इतना इफेक्ट नहीं करती है। अगर आपके घर में और कुछ नहीं है नॉर्मल को पेन किलर, तो आप लेके देख सकते हो। तो कभी कभी नॉर्मल टीथ पेन होता है तो पेन किलर आपको हेल्प कर देती है, लेकिन अगर दांत के दर्द की पर्टिकुलर पेन के रिलीफ की बात की जाए तो कैट्रोल डीटी, यानी कि ये तो एक ब्रांड नेम है, लेकिन केटोफोर्ड कंपनी की जो भी आपके सॉल्ट की मेडिसिन्स अवेलेबल होती है नियर बाई, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि कैट्रोल डीटी मिलती है, डॉक्टर रेड्डी की आती है, तो आप वो आप ले सकते हो। दो गोली को थोड़े से पानी में घोल के तुरंत पी जाइए। इससे आपका दांत का दर्द है उसमें आपको तुरंत राहत मिल जाती है, लेकिन आपको कंटिन्यू बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको कंटिन्यू नहीं करना है। एक या दो बार ले ली ठीक है, उसके बाद आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है और डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करा के फिर ही मेडिसिन लेनी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन लेने से इसके जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। एक या दो बार में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बार बार लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिसिन से भी आप एक बार के लिए टेम्परेरी रिलीफ ले सकते हो, लेकिन दांत का दर्द एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई भी होम रेमेडी करो या दवाई लो, टेम्परेरी ही ठीक करेगी। क्योंकि ये जो दर्द है वो डिपेंड करता है किस कारण से है। अगर केविटी की वजह से है तो आपको केविटी को फिल करवाना पड़ेगा, रूट केनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्रैक है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है या दांत हिल रहा है तो आपको उसका पहले प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना होगा, फिर ही इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ इमरजेंसी के लिए बता रही हूँ, मेडिसिन भी बताया है और होम रेमेडी भी बताया है। ऐसी सिचुएशन में आप एक बार के लिए अपने दांत के दर्द को दूर कर सकते हो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।